अपने स्पीच में बीडी शर्मा जब पहुंचे तो उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, क्या कह रहे हैं वो आज के मतदान को लेकर, जरा सुन लीजिए। मौजूद है इस समय पे बीजेपी कार्यालय में मॉनिटरिंग रूम में। यहाँ पे सभी जगह पे मॉनिटरिंग देखिए, बड़े बड़े पदाधिकारी और लोग यहाँ पर बैठ के पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चुनाव का जायजा ले रहे हैं, कहाँ कैसी वोटिंग हो रही है उसको लेकर नजर रखी जा रही है, और अगर कहीं गलतियाँ होती हैं उसको लेकर तुरंत निराकरण, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, हितानंद जी, आशीष अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इन सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। अगर कहीं कोई जगह कमी होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको सही की जाए। आइए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। सर, सुबह से वोटिंग हो रही है, अच्छी वोटिंग, मतदान परसेंट इस बार का जो प्रतिशत अभी दिखाई दे रहा है 2 घंटे का, वो ऐतिहासिक है। पिछले सभी चरणों से लगभग 2 से 3% बढ़ करके आया है और एक अच्छे संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास, शासन प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं के प्रयास हैं कि जनता अवेयर हुई है और अच्छा मतदान उत्साह के साथ कर रही है। और जो ट्रेंड दिखाई देता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आशीर्वाद दे रही है, और अभी तक का सर्वाधिक वोट शेयर मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक होगा। और इंदौर में वोटिंग हम सब मिलकर के नहीं, इंदौर में भी क्योंकि शहर है, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी है, शहर में थोड़ा सा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अभी पिकअप कर जाएंगे। ये सब स्थिति है। ये तो प्रदेश, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से, इंदौर के वासियों से भी, सभी जनता जनार्दन से, मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और आप सब लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। कोई छूटा है तो उसे मतदान केंद्र तक पहुंचाएं, और आपका एक वोट इस लोकतंत्र के महापर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकसित भारत के संकल्प को आपका वोट पूरा करेगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। कैमरामैन रणबीर के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को सुन रहे थे आप, जीत का दावा भी उन्होंने किया और ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत हो इसके लिए कोशिशें भी की गई हैं और अच्छा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रहा है। चर्चा